तीसरे शहजादे ने अपने सफर के लिए जुनूबी सिमत में जाने का फैसला किया और अपना घोड़ा इसी राह पर डाल दिया। सुबह से चल चलते शाम हो गई। इसने मुसलसल सफर करते हुए खासा फासला तय कर लिया था। अब सूरज भी अपना सफर तमाम करके मगरिब में गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। फिजा में शाम की सुरमई चादर फैलने लगी थी और देखते ही देखते इसका सुरमई रंग गहरे स्याह रंग में बदल गया। शहजादा अरसलान ने रात के अंधेरे में सफर जारी रखने के बजाय वहीं एक घने दरख्त तले गुजारने का फैसला किया। इसने दिन भर सफर किया था, कहीं रुककर कुछ न खाया न पिया और न ही आराम किया। अब उसे थकन के साथ साथ भूख भी महसूस होने लगी थी। इसने अपने सफरी बैग में से रखी हुई रोटियां निकाल कर खाईं, करीब के कुएं से पानी निकाल कर पिया, फिर वजू करके जहर असर मगरिब की कज़ा नमाजें अदा की और आखिर में इशा की नमाज पढ़ लेने के बाद वहीं सोने के लिए लेट गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि एक शोर सुनकर खुल गई। इसने देखा जंगल में जैसे तूफान आ गया हो। हवाएं शोर करती, फिजा में अजीब सी खौफ की लहर पैदा कर रही थीं। दरख्तों पर रहने वाले परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। चरिंद और दरिंद भी नामालूम खौफ से खुद को महफूज रखने के लिए इधर से उधर भागते फिर रहे थे, जैसे वो कोई महफूज मकाम की तलाश कर रहे हों। अचानक शहजादा अरसलान ने सुना कि कोई उससे पूछ रहा है, तुम कौन हो और यहाँ किसकी इजाज़त से आए हो? शहजादा ने जवाब में कहा, इस कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह है और मैं इसी अल्लाह का बंदा हूँ। दिन भर सफर करते करते थक गया था तो यहाँ आराम करने के लिए लेट गया। सुबह होते ही मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। तुमने मुझसे इजाज़त लिए बगैर यहाँ आराम करने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझ पर फतह हासिल कर ली, तुम मुझ पर गालिब आ गए तो खैर है, मुझसे शिकस्त खाने की सूरत में तुम्हें मौत को ही गले लगाना होगा। मेरा नाम रुस्तम है और मैं इस जंगल का वाहिद हुक्मरान। कहते हुए रुस्तम ने शहजादा अरसलान पर अपनी दो धारी तलवार से वार किया। शहजादा भी पूरी तरह तैयार था। इसने बड़ी फुर्ती और तेजी का मुजाहरा करते हुए जंगल के हुक्मरान रुस्तम का वार बचा लिया, साथ ही इसने अपना वार भी कर दिया। रुस्तम ने शहजादे का वार झेलकर दोबारा और भी शिद्दत से शहजादे पर वार किया और शहजादे ने पहले की तरह चुस्ती फुर्ती का मुजाहरा करते हुए इस वार को भी आसानी से झेल लिया। अपने दोनों वार खाली जाने पर रुस्तम तिल मिलाकर रह गया। इसके मिजाज में और शिद्दत आ गई और गुस्सा भी बढ़ गया। उधर शहजादे ने रुस्तम की सारी कैफियत भांप ली और पूरी तरह मुकाबला करने के लिए इसके सामने आ गया। दोनों में काफी देर तक शमशीर जनी का मुकाबला जारी रहा। रुस्तम ने जब देखा कि मेरा मुकाबल एक सच्चा और खरा बेहतरीन शमशीर जन है तो इसने अपनी तिलस्मी कुव्वत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। उधर शहजादे ने तिलस्मी वार से महफूज रहने के लिए पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया, फिर दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते हुए रुस्तम के तिलस्मी वारों का जवाब देने लगा। दोनों में यह मुकाबला सुबह की पहली किरण नमूदार होने तक जारी रहा। ना तो रुस्तम शहजादे से हार मान लेने को तैयार था और ना ही शहजादा रुस्तम से शिकस्त कबूल करने के लिए आमादा नजर आता था। एक बात ये हुई कि जब सुबह का उजाला फैला तो रुस्तम की सारी कुव्वतें खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगीं, यहाँ तक कि शहजादे के हाथों से अपनी शिकस्त कबूल कर लेनी पड़ी। शहजादे ने अपनी दो धारी तलवार से ऐसा भरपूर वार किया कि रुस्तम की गर्दन इसके तन से जुदा होकर दूर जा गिरी। शहजादे ने अपनी इस कामयाबी पर शुक्र का सजदा अदा किया, फिर दो रकात नफल पढ़कर वहीं सोने के लिए लेट गया। रुस्तम के मरते ही जंगल पुरसुकून हो गया। तूफानी हवाओं ने चलना बंद कर दिया। परिंदे अपने अपने घोंसलों और दरिंदे व चरिंद अपने मस्कनों में आराम करने के लिए दोबारा पहुंच गए। सुबह बेदार होकर शहजादे ने नमाज फजर अदा करके अपने सफरी बैग से खाना निकालकर नाश्ता किया और फिर घोड़े पर सवार होकर सफर के लिए आगे रवाना हो गया। सुबह से चलते चलते दोपहर का वक़्त हो गया। सूरज ऐन सर पर आ गया। धूप ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। शहजादे ने अपने तराफ में नज़रें दौड़ाईं कि कोई मुनासिब जगह मिल जाए जहाँ कुछ देर बैठकर आराम करे।
खाना खाए और जोहर की नमाज भी अदा करे कि इसकी नज़र जंगल के बीचों बीच बनी एक झोंपड़ी पर पड़ी। वो इस झोंपड़ी की तरह आगे बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर इसने देखा कि एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून झोंपड़ी में चारपाई पर लेटी हुई है। शहजादे ने अम्मा जी कहकर बूढ़ी खातून को सलाम किया और पूछा, अम्मा जी इस जंगल में आप अकेली क्यों रहती हैं, क्या आप तन्हाई पसंद हैं? बूढ़ी खातून ने कहा, बेटा मैं यहाँ जंगल में भूले भटके मुसाफिरों की रहनमाई के लिए रहती हूँ। शहजादे ने कहा, अम्मा जी मुझे परस्तान से मूंगा फल लेकर आना है, मेरी रहनमाई फरमाएं कि मैं कोई बड़ी परेशानी उठाए बगैर परस्तान पहुँच जाऊँ और मूंगा फल लेकर बखैर व आफियत अपने वालिद के पास पहुँच कर वो फल उन्हें पेश कर दूँ। ज़ईफ़ खातून ने कहा, बेटे परस्तान जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ज़रा पेचीदा सा है और इस रास्ते में मुश्किलात और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये रास्ता तुम्हें बहुत जल्द मकाम पर पहुँचा देगा। दूसरा रास्ता है तो बहुत तवील, दो माह के सफ़र के बाद ही तुम अपनी मंजिल पर पहुँच सकोगे, मगर ये मुश्किलात और मसाइल से खाली है। शहजादे ने कहा, अम्मा जी अल्लाह ताला ने मुझे मर्द पैदा किया है दुनिया में, और मुश्किलात झेलना, मसाइल से अहद बर होना मर्दों का ही काम है। फिर मुझे अपने वालिद की खिदमत में मूंगा फल पहुँचाने की जल्दी भी है, इसलिए मैं तवील रास्ते के बजाय इसी छोटे मुश्किलात से भरे रास्ते पर परस्तान जाना पसंद करूँगा। और फिर वो मुख्तसर रास्ते से परस्तान जाने के लिए वहाँ से रवाना हो गया। अभी उसे अपने सफ़र पर आगे बढ़े हुए एक घंटा ही गुजरा था कि जंगली दरिंदों ने शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल वो बूढ़ी खातून एक चुड़ैल थी जो मुसाफिरों की रहनमाई के बजाय उन्हें गलत राह पर डाल देती थी और बाद में इसका भेजा निकाल कर खा लिया करती थी। शहजादे ने दरिंदों को अपनी तरफ घुरा कर बढ़ते देखा तो फौरन अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और दरिंदों से मुकाबला करने लगा। वो दरिंदे जंगल के दरिंदे नहीं बल्कि तिलस्मी दरिंदे थे। एक दरिंदा शहजादे की तलवार से मौत के घाट उतरता तो इसकी जगह वैसे ही 10 दरिंदे और आ जाते। शहजादे ने ये बात महसूस कर ली और जेरे लब दुरूद शरीफ का विर्द करने लगा। अब शहजादा जंगल में अकेला नहीं था, दुरूद शरीफ के विर्द की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी हासिल हो गई थी। उधर बूढ़ी डाइन ने अपना वार खाली जाते देखा तो तिलस्मी अमल करने लगी। इसके तिलस्मी अमल से शहजादा मौत से हमकिनार तो नहीं हुआ बल्कि बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अब चौथा शहजादा रेहान बाकी रह गया था। इसके तीनों बड़े भाई अपने लिए सिमत का इंतखाब करके सफर पर रवाना हो चुके थे। अब सिर्फ शुमाल ही सिमत बाकी रह गई थी। शहजादा रेहान ने इसी को अपने लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बेहतरी समझा और शुमाली सिमत में जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। शाम होते होते शहजादा रेहान एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां एक खूबसूरत महल था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे इस महल की तामीर को कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ। महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो अपने आप को इसने एक खूबसूरत बाग में खड़े हुए पाया। बाग में तरह तरह के फूल खिले माहौल को खुशनुमा बना रहे थे, मगर वहाँ कोई खादम, चौकीदार या किसी और जानदार को नहीं देखा। उसे हैरत हो रही थी कि इस कदर खूबसूरत महल, खुशनुमा बाग और इनकी निगरानी या इन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। बहरहाल इसने वो रात इसी महल में गुजारने का फैसला कर लिया। पहले इसने वजू करके जहर, असर और मगरिब की कजा नमाजें अदा की, फिर इशा की नमाज पढ़कर अपने सफरी बैग में से खाना निकालकर खाने के लिए लुकमा तोड़ा ही था कि उसे किसी के आने की आहट महसूस हुई। इसने नजरें उठाकर देखा तो हैरान रह गया। इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और बावकार खातून खड़ी थी। इसने, अस्सलाम वालेकुम शहजादा रेहान, मैं आपको यहाँ खुश आमदीद कहती हूँ। रेहान एक अजनबी खातून की जबान से अपना नाम सुनकर बहुत हैरान हुआ। इसने खातून को अपने साथ खाने की दावत देते हुए कहा, खातून मोहतरम आप कौन हैं और मेरे नाम से आपको किसने आगाह किया है? खातून ने कहा, मुझे आपका नाम ही नहीं बल्कि मुझे तो ये भी पता है कि आप रियासत शाहबाद के हुक्मरान जहांगीर शाह के सबसे छोटे बेटे हैं और परस्तान से मूंगा फल लाने के लिए इस मुहिम पर निकले हैं। आपके तीनों भाई
शहजादा अदनान, शहजादा नोमान और शहजादा अरसलान भी इसी मुहिम के लिए साथ ही महल से निकले थे और चौराहे पर पहुंचकर अपनी अपनी पसंद की सिमत रवाना हो गए। वो तीनों तिलस्मी जाल का शिकार हुए हैं और फिलहाल जिंदा हैं। मैं आप चारों भाइयों से इसलिए वाकिफ हूँ कि आपके एक भाई ने मेरी बहन सफेद परी को एक जादूगर की कैद से रिहाई दिलवाई थी। अब उन्होंने ही मुझे हिदायत की है कि इस सिलसिले में मैं आपकी जो भी मदद हो सके वो करूं। हम परियां किसी के जरा से एहसान को फरामोश नहीं करती। मेरा नाम नीलम परी है। आप जिस मुहिम के लिए इस सफर पर निकले और यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से आपको तीन बड़े पहाड़ अबूर करना होंगे, फिर एक बहुत बड़ा घना जंगल भी। रास्ते में आपको कई जादूगरों से बहुत सख्त मुकाबला करना होगा। इन जादूगरों और महाफिज दियों को शिकस्त देने के बाद आप परस्तान पहुंच सकेंगे। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद शहजादा रेहान ने नमाज इशा अदा की और नींद के पुरसकून आगोश में पहुंचने तक जाए नमाज पर बैठा दुरूद शरीफ का विर्द करता रहा। सुबह बेदार होकर इसने नमाज फजर अदा की, एक सिपारा तिलावत किया। उस दौरान नीलम परी भी बेदार हो गई और दोनों ने आमने सामने बैठकर नाश्ता किया। अब शहजादा रेहान अपनी मुहिम के सफर पर जाने के लिए तैयार था। नीलम परी ने अल्लाह हाफिज कहते हुए उसे मुहिम पर रवाना कर दिया। शहजादा रेहान दोपहर तक सफर करता रहा, आगे बढ़ता रहा। अब वो जंगल में एक ऐसे मकान के सामने था जिसके दरवाजों पर इंसानी खोपड़ियों के ढांचे बने हुए थे। वो समझ गया कि जरूर ये किसी जादूगर की रिहाइश का है। अभी इसने इतना सोचा ही था कि आसमान पर गिद्ध, चीलें और दूसरे गोश्तखोर परिंदे मंडलाते नजर आने लगे। शहजादा समझ गया कि वो किसी जादूगर के नरगे में आ गया है और जादूगर ने अपना वार करने में पहल भी कर दी। शहजादा आयतुल कुर्सी पढ़कर पहले अपने चारों तरफ हिसार बांध लेता है और खुद पर दम भी कर लेता है। साथ ही इसने दुरूद शरीफ का विर्द भी जारी रखा। गोश्तखोर परिंदे फिजा में शोर करते मंडलाते रहे मगर शहजादा रेहान को जरा भी नुकसान न पहुंचा सके। जादूगर खुद भी अपने तिलस्मी अमल को जाया होते देख रहा था। इसने जब ये महसूस किया कि इसका हर तिलस्मी हरबा नाकाम हो रहा है तो उसने परस्तान के मुहाफिज दियों की फौज तलब कर ली। शहजादे ने दियों की फौज को आते देखा, खुद तलवार निकाल कर उनके मुकाबले के लिए मैदान में डट गया। वो पैंतरे बदल बदल कर नहायत तेजी और होशियारी से दियों की फौज के सिपाहियों को कत्ल करता रहा। जरा सी ही देर में सैकड़ों दियो मुहाफिज लुकमाए अजल बन गए। अभी शहजादा इस मुकाबले में मसरूफ था कि इसने सुना कोई कह रहा हो, शाबाश शहजादे शाबाश, तुमने आज अपनी शमशीर जनी का हैरत अंगेज मुजाहरा किया है। मैं तुम्हें यहाँ की मलका की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। शहजादे ने अपनी तारीफ में ये अल्फाज सुने मगर उसे यकीन नहीं आया कि कोई मुखालिफ अपने दुश्मन की इस तरह खुली तारीफ भी कर सकता है। और वाकई ये दुरुस्त बात थी। ये जुमला उसे धोखा देने के लिए कहा गया था। कहने वाले का ख्याल था कि वो अपनी तारीफ सुनकर शहजादे के दिल में तकब्बर आ जाएगा और वो इसी तकब्बर को निशाना बनाते हुए शहजादे की जिंदगी का खात्मा कर देगा। उसे तकब्बर का अंजाम मालूम था इसलिए इसने इन तारीफी अल्फाज पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया और मुकाबले पर डटा रहा। यहाँ तक के मुहाफिज दियों की फौज ने पुष्पाई इख्तियार कर ली। वो दिन भर जादूगरों और मुहाफिज दियों की फौज का तनहा मुकाबला करता रहा। उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था क्योंकि दरूद शरीफ के विर्द और आयतुल कुर्सी के हिसार से उसे उसकी तरफ से मदद मिल रही थी। उसे तो सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने की फिक्र थी। नीलम परी इसके साथ थी। वो उसे रास्तों के खतरा से आगाह करती और मुश्किलात को हल करने की तजावीज भी देती। इसी तरह शहजादे ने तीन पहाड़ सर कर लिए। अब उसे अपनी मंजिल साफ और बहुत करीब नजर आ रही थी। इसी लम्हे नीलम परी अपना उड़न कालीन लेकर वहां पहुंच गई। शहजादा रेहान को अपने साथ कालीन पर बिठाया और परस्तान में दाखिल हो गई। मलका परस्तान से शहजादे का तारुफ और परस्तान आने का मकसद बताया। मलका परस्तान ने फौरन ही मूंगा फल शहजादे को दे दिए और जाने का फरमान जारी कर दिया। अब शहजादा रेहान
जैसे ही मूंगा फल लेकर परस्तान से अपनी रियासत के लिए रवाना हुआ, फिजा एक धमाके से गूंज उठी। ये जादूगरी का तिलस्मी असरात खत्म हो जाने का धमाका था। वो तमाम लोग जो तिलस्मी असरात से पत्थर के मुजस्मे या जानवरों की सूरत में बदल गए थे, अपनी असल शक्ल सूरत में वापस आ गए। जहांगीर शाह ने शहजादा रेहान को मुस्तकबिल का हुक्मरान नामजद कर दिया और खुद बकिया जिंदगी इबादत इलाही में गुजारने के लिए हज के सफर पर रवाना हो गया। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जजाकल्ला।